I feel it, I feel you. I didn't want to do this. Baby, I love you so much. ₹2019 में देशभक्ति वाली फिल्मों का भी बोलबाला देखने को मिलेगा। हाल ही में रिलीज हुई उड़ी इस बात का पुख्ता सबूत है कि देश के लिए प्यार जताने में कभी भी कोई पीछे नहीं हटता। आपको बता दें कि इस साल भी आपको देशभक्ति के जोश से भरी फिल्मों का तोहफा मिलने वाला है। चलिए आपको ऐसी ही फिल्मों के बारे में बताते हैं जो जनता को देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगी। केसरी। अक्षय कुमार स्टारर ये फिल्म 1897 की सारागढ़ी के युद्ध पर आधारित है। ये फिल्म 21 मार्च को रिलीज होने जा रही है। भारत। सलमान खान स्टारर फिल्म भारत की कहानी कोरियन फिल्म ओड टू माय फादर से ली गई है। फिल्म में आप सलमान को अलग अलग अवतारों में देखेंगे। इसमें उनके साथ तबू, कटरीना कैफ, दिशा पटानी और नोरा फतेही होंगी। फिल्म में सलमान एक आर्मी मैन के किरदार में नजर आएंगे। साहो। फिल्म साहो में प्रभास एक जासूस की भूमिका निभाने वाले हैं। इस फिल्म में प्रभास के साथ लीड रोल में एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर नजर आने वाली हैं। ये फिल्म इसी साल 15 अगस्त के दिन रिलीज होगी। रोमियो अकबर वॉल्टर। फिल्म रोमियो अकबर में जॉन एक सीक्रेट एजेंट का किरदार निभाने वाले हैं, जिसे पाकिस्तान में पकड़ लिया जाता है। इस फिल्म में उनके अलग अलग रूप दिखेंगे। फिल्म में जॉन के अलावा जैकी श्रॉफ और मोनी रॉय भी हैं। ये फिल्म 5 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली है। तानाजी। फिल्म तानाजी भी एक देशभक्ति के रंग में सराबोर फिल्म है। फिल्म में अजय देवगन एक मराठा योद्धा के रूप में नजर आएंगे। फिल्म में दोनों के साथ साथ काजोल भी अहम किरदार में दिखेंगी। ये फिल्म 22 नवंबर 2019 के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मिशन मंगल। ये फिल्म इस साल 15 अगस्त पर रिलीज होगी। फिल्म में दिखाया जाएगा कि किस तरह से भारत ने अपने पहले मंगल यान को लॉन्च किया था। इस फिल्म में उनके साथ तापसी पन्नू, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा और शर्मन जोशी नजर आएंगे। 83। रणवीर सिंह की ये फिल्म भारत की पहली क्रिकेट वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक जीत की यादों को एक बार फिर से ताजा कर देगी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं कबीर खान। ये फिल्म 2020 में रिलीज होगी। उधम सिंह बायोपिक। डायरेक्टर शुजीत सरकार के साथ विकी कौशल क्रांतिकारी उधम सिंह की जिंदगी पर बन रही फिल्म में काम कर रहे हैं। ये फिल्म 2020 में बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। गुंजन सक्सेना बायोपिक। इस फिल्म में जानवी कपूर फाइटर पायलट गुंजन सक्सेना का किरदार निभाती नजर आने वाली है। गुंजन को भारत की पहली लड़ाकू महिला होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने 2019 की कारगिल लड़ाई में अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने कई साथियों की जान बचाई थी। अरुणिमा सिन्हा बायोपिक। खबरों की माने तो आलिया भट्ट अरुणिमा सिन्हा की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म में काम करने जा रही हैं। अरुणिमा सिन्हा दुनिया में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला हैं। ये फिल्म बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, अ स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग बैक नाम की किताब पर आधारित होगी। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।